अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश करते हैं ख़बरनामा, मैं आपके साथ उल्टा पजामा। पीटीआई ने अदालत में दरख्वास्त जमा कराई कि इमरान खान का जिस्मानी रिमांड हरीम शाह से करवाया जाए। बड़ा शौक है लोगों को नंगा करने का और लोगों के नंगे जिस्म देखने का, नंगा करके तशद्दुद करने का। दरख्वास्त में ये भी शामिल था कि गर्मी बहुत है, इमरान खान को किसी ठंडी जगह पर रखा जाए। दरख्वास्त पर अमल करते हुए पुलिस वालों ने इमरान खान को बर्फ़ की सिल्ली पर उल्टा लिटा दिया। पीटीआई की खवातीन ने जजिस से गुजारिश की कि इमरान खान को रिहा किया जाए, हम आपको डांस दिखाएंगे। इमरान खान ने कहा, मैं जेल में सोता हूं तो नवाज शरीफ ख्वाब में आके गंदे गंदे लतीफे सुनाता है। जराए से खबर मिली है कि जेल में सोते वक्त इमरान खान की शलवार से नाड़ा गायब हो गया। पीटीआई ने आवाम से कहा इमरान खान के लिए बाहर निकलें। आवाम ने कहा, गर्मी बहुत है, हम दिसंबर में बाहर निकलेंगे। गर्मी की शिद्दत इससे कई ज्यादा महसूस की जा रही है। शहरी घरों से ना निकले, सखर की मस्जिद में ये ऐलान कर दिए गए हैं। जबकि इमरान खान की गिरफ्तारी पर आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इंटरनेट बहाल किया जाए, हमें पबजी गेम खेलते हुए परेशानी हो रही है। पीटीआई के मोटे तरीन रहनुमा अजाब चौधरी ने कहा, अगर इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो मैं वापस पीपल्स पार्टी में चला जाऊंगा। फवाद चौधरी ने मुख्तसर से सियासी करियर में इतनी वफादारियां तब्दील की हैं कि वफादारियां भी शर्मा जाएं। इमरान खान ने कहा है, मुझे गिरफ्तार करते हुए वक्त राणा सनाउल्ला ने मेरी जेब काट ली। से इतना मुनाफिक और मक्का इंसान है, उस वक्त लोगों को जो है वो कफन की गालियां दे रहा था, लोगों को चोट और डाकू डाकू के जो है वो लोगों के। पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर न्यूज एंकर इमरान रियाज खान ने कहा, अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो मेरा यूट्यूब चैनल कैसे चलेगा। अच्छा लगता है यूट्यूब और फेसबुक और ये सारा कुछ मिला के मैं 1 करोड़ कमाता हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। जो घर जिसमें मैं रहता हूँ ना, मैं हर 2 महीने के बाद ऐसा घर बना सकता हूँ। अच्छा, जराए से पता चला है कि जेल से इमरान खान की पिशावरी चप्पल चोरी हो गई। चोर चप्पल चोरी करते हुए तुमको शर्म नहीं आता है। इमरान खान ने कहा, अगर मुझे दूसरा जन्म मिला तो मैं बड़ा होके फौजी बनूंगा। बेटा पापा कौन है? क्या है? फौजी है। अच्छा, खबर मिली है कि इमरान खान को जेल में बहुत परेशान किया जा रहा है। इमरान खान बाथरूम में जाते हैं तो पीछे से पानी बंद कर दिया जाता है, नहाने जाते हैं तो गीज़र ऑन कर दिया जाता है। इमरान खान को सुबह नाश्ते में पोटे चावल, दोपहर को बासी चावल और रात को बचे हुए चावल दिए जाते हैं। खुराक मगर नए वालों के पास होगी तो वो वहाँ पहुँचा देंगे, या फिर मेरा ख्याल है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है, ज़्यादा बेहतर होगा कि इनको किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो है वो रखा जाए, वहाँ पर उनका इलाज। सिंध में गंदा पानी पीने से एक ही खानदान के 12 अफराद हलाक हो गए, लेकिन भुट्टो अभी भी जिंदा है। आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम से हवा का टैक्स भी वसूल किया जाए, हवा कोई आवाम के बाप की नहीं जो फ्री में खा रहे हैं। जितने भी हुक्मरान है उनको बोल रहा हूँ, अब तक खबर में लेके जाएगा, जेब नहीं होती कफन में, खुदा के लिए रहम कर दे इस मुल्क के। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान आने वाले 300 साल में तरक्की करेगा, अगर आप लोग जिंदा रहे तो देखिएगा। राणा सनाउल्ला ने कहा कि हैरत की बात है, हैरत की बात है, हैरत की बात है कि इमरान खान नवाज शरीफ से बड़ा चोर है। गली गली में शोर है, सारा टपर चोर है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजाइया खबरों के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।